गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज़ फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक नेम इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। एज यू ऑल नो, जो ड्रग्स जो होती है वो एसेंशियल कमोडिटी होती है लाइफ के लिए। बट बिफोर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या था कि जो मैन्युफैक्चरर जो थे वो कुछ ड्रग्स को क्या करते थे, हाई प्राइजेस के ऊपर क्या करते थे, सेल करते थे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या था, अनएथिकल था और इकोनॉमिकल था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अंडर सेक्शन 3 जो एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट था उसको क्या किया, एम्पावर्ड किया और ये इंश्योर किया कि जो एसेंशियल बल्क ड्रग्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो अच्छे तरीके से हो और एक फिक्स्ड प्राइस हो उनका, मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस हो ड्रग फॉर्मुलेशंस का। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसको क्या किया, पास किया। अब बात करते हैं इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है ड्रग्स की। तो ड्रग्स क्या होते हैं, सब्सटेंस जिसको हम इंटेंड करते हैं किसके लिए, फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द डिजीज़, उसको क्या बोला जाएगा, ड्रग बोला जाएगा। प्राइस किसे बोलेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ मनी गिवन हो रही है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफाइड थिंग उसको क्या बोला जाता है, प्राइस बोला जाता है। कंट्रोल का मतलब क्या है, टू एक्सरसाइज डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर, उसको क्या बोला जाएगा, कंट्रोल बोला जाएगा। और ऑर्डर क्या है, कोई भी अथॉरिटी का कमांड है, डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर बोला जाएगा। तो ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है एक तरह का ऑर्डर होता है जिसको इशू किया किसने, गवर्नमेंट ने, किसके अंडर, जो एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट था उसके अंडर क्या किया, इसको इशू किया, जो ये इनेबल्स करता है कि जो एसेंशियल बल्क ड्रग्स हैं और जो उनकी फॉर्मुलेशंस हैं उनके क्या हो, फिक्स्ड प्राइजेज हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की। 1966 में क्या हुआ, जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे उन्होंने ये फेल्ट किया कि जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं ड्रग्स के। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट था इसको पास किया 1966 में। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 1966 में जो था ये DPCO एक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया DPCO एक्ट 1917 के साथ में। उसके बाद क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ, जो हाथी कमेटी था उसने क्या किया, फॉर्म किया और सबमिटेड किया 1975 में, इसकी रिपोर्ट्स को क्या किया, सबमिट किया। उसके बाद ये जो DPCO एक्ट था 1970, इसको फिर से रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ में, जो DPCO एक्ट 1987 था उसके साथ इसको दोबारा रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो DPCO एक्ट 1987 था इसको दोबारा रिप्लेस कर दिया DPCO एक्ट 1995 में। और फाइनली क्या हुआ कि ये जो 1995 में जो DPCO एक्ट था उसको लास्ट में रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, DPCO एक्ट 2013 के साथ में। सो ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, एक तो एडिक्वेट प्रोडक्शन को अचीव करना। दूसरा, टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ड्रग्स, उसको रेगुलेट करना। इसके अलावा मेंटेन करना और इंक्रीज करना सप्लाई और बल्क ड्रग्स की। और लास्ट है टू मेक एट फेयर प्राइजेस, ताकि जितने भी हमारी बल्क ड्रग्स हैं उनके प्राइजेस कैसे रहे, हमेशा फेयर प्राइजेस रहे। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की, क्या क्या मेन फीचर्स थे इसके DPCO एक्ट 2013 के। पहले बात करते हैं कि जो न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग 348 ड्रग्स, जो नया ऑर्डर पास हुआ था वो कितनी ड्रग्स लेकर आया था, 348 ड्रग्स, और उसकी 652 फॉर्मुलेशंस लेकर आया था अंडर इस प्राइस कंट्रोल के अंडर। दूसरा, जो मार्जिन था होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए उसको क्या कर दिया गया, कट डाउन कर दिया गया 8% टू 16% तक। उसके अलावा मॉनिटर करना, जो है जो भी उसके MRP हैं, नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन है, उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर को और कंट्रोल करना फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर को। तो ये हो गए इसके मेन फीचर्स। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन और नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन की, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का मतलब होता है विद सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डोजेस फॉर्म एज इन द शेड्यूल, उसको बोला जाएगा शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट, इफ डोजेस फॉर्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन आर चेंज्ड, अगर जो डोजेस फॉर्म और उसकी जो स्ट्रेंथ है किसी भी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन की, अगर वो चेंज हो रही है तो उसको शेड्यूल्ड ड्रग्स या शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन नहीं बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एमोक्सिसिलिन है, कैप्सूल है 250 mg का, उसको बोला जाएगा शेड्यूल्ड ड्रग, लेकिन अगर वो 125 mg टेबलेट फॉर्म में आ रही है तो उसको शेड्यूल्ड ड्रग नहीं बोला जाएगा। नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन कौन सी होती है, मीन्स अ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग मॉलिक्यूल डोजेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, उसको क्या बोला जाएगा, नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एसिक्लोफिनिक हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया या रेबीप्राजोल हो गया। बात करते हैं अब प्राइस ऑफ बल्क ड्रग की। जो गवर्नमेंट था
ही हैज़ दी पावर टू फिक्स मैक्सिमम सेल प्राइस। गवर्नमेंट को ये पावर होता है कि वो जो भी सेल प्राइस है उसको क्या कर सके, फिक्स कर सके। नेक्स्ट, वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइस गवर्नमेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये है कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो 14% होगा नेटवर्थ। दूसरा, जो रिटर्न होगा 22% ऑन, वो होगा कैपिटल इम्प्लॉयड। इसके अलावा 15 डेज होंगे न्यू बल्क ड्रग प्रोडक्शन के, और जो मैन्युफैक्चरर जो होगा वो फिल कर सकता है डिटेल एक फॉर्म में जिसका नाम है फॉर्म 1 फॉर द रिविजन ऑफ द सेल प्राइस, और गवर्नमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद इन 4 मंथ्स में। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू दी गवर्नमेंट। पहली बात, फॉर बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। दूसरा, लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट इन फॉर्म 1 एंड 2। और तीसरा, जो शेड्यूल्ड बल्क ड्रग होंगी इट शुड गिवन बाय 30 सेप्टेम्बर एवरी ईयर। 30 सेप्टेम्बर हर साल के 30 सेप्टेम्बर को देना पड़ेगा। बात करते हैं रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन की। अगर फॉर्मुलेशन की कैलकुलेशन अगर हमने करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ RP इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE डिवाइडेड बाई 100 प्लस ED। तो RP क्या है, रिटेल प्राइस है। MC क्या है, मटीरियल कॉस्ट है। CC क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट है। PM क्या है, पैकेजिंग मटीरियल हो गया, पैकेजिंग मटीरियल। PC क्या हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया। ED क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। और MAPE क्या है, मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिस हो गया। अब बात करते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर शुड नॉट इंक्रीज रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग। बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के जो मैन्युफैक्चरर है वो जो रिटेल प्राइस है ड्रग की उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर शुड नॉट मार्केटेड न्यू फॉर्मुलेशन, जो मैन्युफैक्चरर है वो न्यू फॉर्मुलेशन को भी मार्केटेड नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और लास्ट है, नो पर्सन शैल सेल इम्पोर्टेड शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। बात करते हैं हम इसके शेड्यूल्स की। जो DPCO था उसके कुछ शेड्यूल्स थे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, ये इंक्लूड करता था 76 बल्क ड्रग्स को, फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन हो गया, रेनिटिडीन हो गया या क्लोरोक्विन हो गया। सेकंड शेड्यूल में क्या था, ये कंटेन करता था वेरियस फॉर्म्स फॉर अप्रूवल और रिविजन ऑफ प्राइजेज ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। थर्ड शेड्यूल क्या था, ये स्पेसिफाई करता था मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स ऑफ द फॉर्मुलेशंस। लास्ट है अब इसके ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़। तो क्या क्या पेनल्टीज़ पड़ सकती है, फर्स्ट है ही और शी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, या तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो फाइन हो सकता है। दूसरा, इन द केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ, बट ये एक्सटेंड भी हो सकता है 7 ईयर्स तक, और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। और लास्ट है जो रिटेल प्राइस होता है, नॉट टू एक्सीड और लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा।